बट अगर मुझे भूख लग जाएगी तो मैं नहीं करूंगी भी। जाडू, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। ये Hey guys, good morning, and it is a Karwa Chauth. So this is my first Karwa Chauth, and I'm not sure कि मैं अभी तक तो मैं कर रही हूँ, but अगर मुझे भूख लग जाएगी तो मैं नहीं करूँगी because I have to go for a job. And as you can see, I'm all dressed up. वैसे लोग रेड पहनते हैं, मैंने वाइट पहना है आज के दिन, and right now it is 6:11, so मैं थोड़ा लेट हूँ, तो मैं फटफट चलती हूँ. एंड मैंने रात का कुछ व्लॉग नहीं किया, मैंने मेहंदी वेहंदी कुछ रखा नहीं है अभी तक, मैंने खाना कुछ खाया नहीं है. एंड आई होप कि मैं चांद रात को आए तब तक खाना नहीं खाऊंगी. एंड अभी भी सामने चांद एक कल वाला रहते हैं पीछे. एंड लेट मी जस्ट शो यू द मून. या दैट्स द मून. सो या अभी मैं जा रही हूँ बस स्टॉप पे, बस पकड़नी है मुझे. एंड आई गेस टाइम हो गया है, ऐसे शौक के लिए कर रही हूँ, अतीत को अच्छा लगे इसलिए, नथिंग एल्स. या मेरा बस स्टॉप आ गया. सो बाय. ओके गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम होम, एंड एज यू कैन सी माय फेस, आई एम प्रीटी मच टायर्ड. ऑल्दो आई ट्राई टू सेव माय एनर्जी, या जहाँ वहाँ कर सकती थी तब. एंड मैंने ऐसे मतलब सोचा था कि अगर मुझे भूख लगी तो मैं खाना खा लूँगी, बट स्कूल में मैं गई एंड बहुत सारे टीचर ने रखा था, एंड वो लोग तो पानी भी नहीं पी रहे थे. मैंने एटलीस्ट पानी तो पिया है. सो आई लाइक ओके, दिस पीपल आर डूइंग लाइक दिस. एंड मुझे कुछ रिचुअल पता नहीं है कि मतलब शाम की पूजा कैसे करते हैं, ये वो सब मतलब मूवी में देखा है, बट मुझे ऐसा था कि थोड़ा अलग होगा, कैसे ऐसे स्पेसिफिक होता है. तो आई हैव आस्ड फ्यू टीचर्स, से उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा करना होता है. सो मैं थोड़ा सा मिठाई लाई हूँ, जो मैंने पूजा की थाली खरीदी नहीं थी और बनाई भी नहीं थी, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं मून को देख के खाना खा लूँगी, दैट इज इट, और पूरा दिन फास्ट रखूँगी. मैं पानी पी रही हूँ, मैं वो बिना पानी वाला फास्ट नहीं कर रही बिकॉज मुझे काम पे भी जाना था, एंड फॉर मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नॉट ड्रिंक वाटर. सो दिस इज माई थाली. ये दिया भी मैंने, इसमें अंदर घी डाल दिया है, एंड थोड़ा चिपकू चिपकू है, कुमकुम है. एंड छन्नी मेरे पास मतलब वैसी वाली अच्छी वाली छन्नी नहीं थी, तो जो घर में जो आटा करने की होती है, यहाँ पे घी थोड़ा गिर गया है तो वो है, तो ये वाली छन्नी से हम करेंगे. हाँ, एक और चीज़ मैं लाई, वो तो आपको बताना भूली गई. तो मैं करवा चौथ में मेहंदी भी लगवाते हैं, तो मैंने तो लगवा नहीं था क्योंकि इतना तो अकल था नहीं अपने में. तो मैं अभी मेहंदी का कौन लेके आई हूँ, ऑल्दो मैं ऐसा सोच रही थी कि वहाँ पे मेहंदी अच्छे से बनवा दूँ, बट वो टाइम भी लगाते हैं, मुझे इतना डिज़ाइन विज़ाइन में इतना पसंद नहीं है. तो मैंने सोचा मैं कौन ही ले लेती हूँ और ख़ुद से ही बना दूँगी. सो मैं अभी खुद से ही मेहंदी बनाने वाली हूँ. सो या फिर मैं सो जाऊँगी. थोड़ा मुझे वो ज़्यादा मेहंदी आता नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर गोल गोल करके उतना कर दूंगी, क्योंकि वो शगुन का बोला जाता है. एंड फिर मुझे ऐसे में कर रही थी कि चलेगा ये सब नहीं करूंगी मेहंदी वेहंदी, बट अभी मैंने किया ये तो अच्छे से कर ही लेती हूँ सारा, जिस वे में होता है उस वे में एटलीस्ट मैं करने का ट्राई करती हूँ. सो या दैट्स माय फर्स्ट करवा चौथ, एंड आई एम व्लॉगिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज मुझे बोला कि प्लीज़ व्लॉग करना. सो आई एम व्लॉगिंग ऑन योर डिमांड. ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके फिर मेहंदी लगाती हूँ. ओके, बैक टू माय ओरिजिनल एंड कंफर्टेबल आउटफिट. सो ये मेहंदी का कौन है, पहले तो ये स्ट्रगल है कि इसको इसका थोड़ा सा छोटा करना है, एंड इस मैं थोड़ा सा इसे गोली करूँगी. फॉर मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू गोला ऑल्सो, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट दिस काइंड ऑफ स्टफ. ए, हो गया. जाडू, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प. आर यू कमिंग और नॉट आर यू कमिंग. थोड़ा इसको परफेक्ट करते हैं हम. हो गया मेरा सिंपल वाला मेहंदी रेडी. अभी ये हाथ में मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं तीत को बुला रही हूँ, बट मे बी ही इज बिजी इन हिज वर्क, सो वो थोड़ी देर बाद आएगा, तब तक मैं वेट नहीं कर सकती, तब तक मैं कर ही दूंगी खुद से. हाथ दुख रहा है अभी ऐसे करने पर. जाडू, थोड़ा मैंने गंदा कर दिया. गाइस,
teeth is putting veni on my head. थोड़ा सा ऐसे dirty कर रहा है वैसे. उसको आता नहीं है. He is not good at this just like me. Yeah, you can do it. हाँ हाँ आवड़ी है सारू. પૂછે કે એક સર્કલ મોટું ને નાનું કેમ છે? પછી હું કોઈ ચીઠે મને હેલ્પ ના કરાય તીઠે કરી આપ્યો કે આનું તો વિશ્વાસ કરી લેશે કે હા એવું હશે તીઠે મોટું કરી છે. મને બીજું મોટું કર દો. બટ 2 ઘંટે મેં કલર અચ્છા ખાસા આ ગયા. મેં 6 બજે ઇસકો વોશ કરી દીધા થા બીકોઝ કોઈ ઘર પે નહીં થા એન્ડ ખાના ફિર મુજે બનાના થા એન્ડ પૂરી બનાની પડતી હૈ તો ફિર આઈ હેવ પ્રિપેર્ડ फूड. लेट मी जस्ट शो यू. थोड़ा सा ऐसे थाली बिगड़ गया है तो ये खीर मैंने बनाई है. आई एम श्योर मैं इतना नहीं खाऊंगी. ये पूरी है. पूरी बिल्कुल अच्छी नहीं है. वो शक्कर पारे जैसी पूरी हुई है. मेरे मदर इन लॉ ने टेस्ट किया. शी सेड की एक बहुत अच्छी है बट इट टेस्ट डज नॉट लाइक अ पूरी. वो शक्कर पारा जैसी लगती है बट आई लव शक्कर पारा. सो नेवर माइंड. ये पराठा मैंने बनाया. सब्जी बाहर से है एंड वो स्वीट में मैं ये लाई थी मावा वाले पेंडे. सो वो हम रखेंगे. सो या दैट इज़ माई फूड. सो मीठा भी मैंने बना दिया है. खीर मैंने बनाई एंड आई लव खीर सो मच. पूरी भी है इन फॉर्म ऑफ शक्कर पारा. सो परफेक्ट. एंड सब्जी बाहर से मंगवाई थी बिकॉज ऐसा कुछ मैंने सुना है कि करवा चौथ में 5 वेजिटेबल को मिक्स करके कोई सब्जी बनाते हैं. सो दैट इज दैट. एंड चांद आ गया है बट द थिंग इज कि हमारा चांद नहीं आया. एक्चुअली तीर्थ का मीटिंग है आज एक एंड वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है. सो मैं उसका वेट कर रही हूँ. शायद 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ड्रेसअप हो जाऊँ तब तक. एंड मैं मेकअप वेकअप करने नहीं वाली बिकॉज इसके बाद सोना ही है मुझे. सो इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है मेरे में आज. तो ये वाला मैं साड़ी पहनने वाली हूँ. इट इज़ इन अ पिंक इन कलर. टू बी ऑनेस्ट मुझे ये साड़ी इतना पसंद नहीं है. ये मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ एंड कुछ नया पहनना होता है इसलिए मैं ये साड़ी पहन रही हूँ. दैट इज़ द ओनली रीज़न. एंड पैसे खर्ची है तो फिर ले लूँ. मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी एंड मैं बस 2 मिनट में रेडी होकर आपसे मिलती हूँ. एंड लेट्स होप कि तीर्थ का आज मीटिंग है वो बहुत अच्छा जाए. तो आई शेयर सम गुड न्यूज़ विथ यू अगर कुछ अच्छा होता है तो मीटिंग में. सो या और अगर ये वाला मीटिंग अच्छा गया ना तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय फास्ट बिकॉज मैंने फास्ट रखा था और ये उसका आज इम्पोर्टेंट वाला मीटिंग है. सो ये अच्छा गया तो तीर्थ यू हैव टू गिव मी समथिंग वेरी ठीक है. तो समझ गया. ठीक है. सो अभी मैं ये साड़ी पहन के रेडी हो जाती हूँ. मैं मेकअप वेकअप कुछ करें सिर्फ साड़ी पहन रही हूँ और तो कुछ नहीं. एंड आई लाइक दिस मेहंदी अलॉट. मुझे ऐसा सिंपल वाला ज़्यादा पसंद है रादर देन डूइंग डिज़ाइन एंड ऑल दिस. बट या लेट मी गेट ड्रेस्ड अप फॉर करवा चौथ. एंड पता नहीं मैं यूजुअली इतना एनर्जी में नहीं होती. मतलब बीच बीच में एनर्जी थोड़ा लो हो रहा था बट अभी फिर से हाई हो गया एनर्जी मून को देख. सो या ओके गाइस. सो आई एम ऑल ड्रेस्ड अप. सिर्फ मुझे ये चोकर पहनना बाकी है. एंड अभी मुझे जस्ट याद आया चोकर पहनने से कि मैंने 6 से 7 का मुहूर्त था तब. शायद मुझे ऐसे किसी टीचर ने बोला था. मैंने आज पूछा था क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. ये सही नहीं है, ये उल्टा है. तो मुझे कोई टीचर ने बोला था कि 6 से 7 में आरती करनी होती है. वो मैं भूल गई तो मैं ऊपर आई. मुझे आरती तो पता है नहीं कि कैसे करते. तो लेट मी जस्ट show you how I am listening to the aarti and फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी क्योंकि मैं अभी सब कर ही रही हूँ तो अच्छे से कर ही लेते हैं. I am not sure कि मुहूर्त चला जाए कथा सुनने का व्रत की जो स्टोरी सुनने का तो कर सकते हैं कि नहीं. बट एटलीस्ट मैं अपने साइड से तो पूरा करने की ट्राई करूँ. तो एलेक्सा रिज्यूम. इसलिए इस व्रत में अधिकांश स्त्रियां चंद्र अर्घ देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं. हमारी इस प्रस्तुति में परंपरागत पूजन का विधान करवा चौथ व्रत कथा और गौरी आरती है तथा मां गौरी से श्री गणेशाय नमः. एक बार
महर्षि नारद ने सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे सृष्टिकर्ता। एलेक्सा पॉज। सॉरी मैं बार बार ये स्टोरी को पॉज कर रही हूँ, बट एक्चुअली आई वॉज रॉन्ग। ये साड़ी ऐसे चीप नहीं लग रही है पहनने से, इट लुक्स रियली नाइस एंड ऑर्गेन्जा मटेरियल है इसका एंड लुक्स रियली प्रिटी, मतलब बहुत ज़्यादा फेस्टिव वाइब दे रहा है, सो आई एम हैप्पी। एंड ये था बस उसका वेट कर रही हूँ, और मुझे ऐसा अभी भूख नहीं इतनी लगी है, सो हाँ ठीक है, दैट इज़ दैट। एंड आई लुक प्रिटी एंड मैंने बैंगल्स पहने ऐसे सब किया, सो आई फील गुड। एंड मैंने बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ कर ली, विच आई ऑलवेज डू, बट ठीक है, नेवर माइंड। अच्छा ये लाइटिंग में अच्छा दिख रही है मेरा फेस, सो या नाउ आई एम गोइंग टू वेट फॉर तीर्थ एंड मैं कथा सुन लेती हूँ, जब तक तीर्थ आता है तब तक ख़त्म भी हो जाएगी। एंड वॉट एल्स, वॉट एल्स, ये साड़ी मैं सोच रही हूँ कि मैं दिवाली पे पहनूँ, बिकॉज इट गिव्स मी दैट फेस्टिव वाइब एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ये मैंने पहले ड्रेसअप करके नहीं देखा था, ऐसे ही देखा था, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग साइज, सो या करवा तो सक्सेसफुली। पानी पिया सिर्फ मैंने सुबह से, बाकी खाना कुछ नहीं खाया है। आई नो पानी नहीं पीते काफ़ी सारे लोग, बट नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई, अगर होगा तो, अगर मुझे जॉब वॉब नहीं जाना होगा तो, आई नो दैट इज़ एक्सक्यूज, बट ठीक है मैं पानी के बिना नहीं कर सकती। तो मैंने पानी पिया, देन मैंने अभी कथा भी सुन रही हूँ, मैं अभी पहले से सुनूंगी कथा, देन और क्या, मैं पूजा भी करूँगी अभी चंद्र का, चंद्र आ गया फिर भी आई एम वेटिंग। एंड मैंने पूरा नया कपड़ा भी पहना है, पूरा ऐसे रेडी भी हो गई, मेहंदी भी लगा दी, सो या मेरा करवा चौथ मेरा ऐसा था कि मैं सिर्फ शाम को चंदा मामा की पूजा करके खाना खाऊंगी, बट मैंने पूरी भी बनाई, मीठा भी बनाया एंड सब कुछ किया। सो ऐसे सोचा नहीं था कि मैं इतना सारा ऐसे रिचुअल वाइज करूंगी करवा चौथ, बट हो गया, सो आई एम सुपर हैप्पी एंड आई फील गुड। आई डोंट नो, पहले मैं ऐसा था जब व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, तब मुझे ऐसा था कि हम करवा चौथ तो मैं नहीं करूंगी, ये वो सब ब्ला ब्ला ब्ला, एंड तीर्थ में मुझे मना ही किया था, बट आई डोंट नो, आई फील गुड डूइंग दिस, सो या। एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू, अगर आपको मन है तो करो, बाकी ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो या आई लाइक टू ड्रेस अप, सो मुझे ऐसा पहले मन भी नहीं था कि मैं अच्छे से ड्रेसअप करूँ ये सो, बट अभी ड्रेसअप हो गई है तो ऐसे मज़ा आ रहा है मुझे, और एनर्जी कुछ ज़्यादा आ गई है ड्रेसिंग अप हो गए। सो या दस दैट एंड लेट मी जस्ट वेट फॉर तीर्थ कज्जर। सो दिस इज़ माई पूजा का थाली एंड आई एम ऑल ड्रेस्ड अप, एंड ये साड़ी पहनने से बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला था अच्छा नहीं पसंद रहा था मुझे, पर मैंने पहना फर्स्ट टाइम तो मुझे अच्छा लगा। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, पीछे भजन चल रहे हैं हमारे घर के पास, एंड देट इज़ द मून, आधे घंटे से आ गया है, बट अभी हम पूजा करेंगे क्योंकि तीर्थ अभी आया। एंड आई लुक रियली प्रिटी, तीर्थ को भी आउटफिट बहुत अच्छा लगा, सो इट इज़ रियली नाइस आउटफिट। एंड उसने कैजुअली पहना है, बट से हाय टू माय व्लॉग, हाय, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं पूजा करती हूँ, बाय बाय। ओके गाइस, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट मुझे पूजा में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, सो कुछ गलती कर दूँ सो प्लीज इग्नोर दैट। मैंने ये पूजा का डिटेल में किसी को नहीं पूछा था, सो सॉरी फॉर दैट। सक्सेसफुली डन, नाउ आई एम गोइंग टू हैव माय फूड। ओके गाइस, सो फाइनली पूजा हो गया है एंड मेरा खीर में
मिल्क तो बचा ही नहीं है, बस राइस राइस बचा है बिकॉज इट्स बीन हाफ एन आवर के मैं ऊपर से रखा था। खा तो नहीं रही, थोड़ा शुगर कम है फूड में, मतलब खीर में मैंने ही बनाया। सो हेलो शांति दीदी, चलो फूड इज रेडी। नाइस शक्कर वाला जैसे सब्जी बहुत मस्त है। आई लव मिक्स वेजिटेबल। हाउ डू फील मी डूइंग करवा चौथ? ग्रेटफुल और कुछ बोलना है? एक सेंटेंस में आंसर नहीं चाहिए हमें। Okay guys, I'm going to eat my food and उसके बाद मैं सोई जाऊंगी। So yeah, if you enjoy this vlog then please like, share and subscribe to my channel for more life updates and behind the scenes. You can also follow me on Instagram. Till then, eat healthy, take care, apply sunscreen and bye.